उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए चौथा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान विशिष्ट सेवा के लिए श्रीमती फूलवासन यादव समाज सेवा, मन के पास है, भाई मन से चार गुना बहनी मन के पास में वो दिमाग है जो कर सकते। एक बार जाग के देखो, एक बार उठ के देखो, आप एक कदम बढ़ो तो आपके साथ में चार कदम आगे बढ़ाने वाला मिल ही। मैं तो 2001 से कभी नहीं सोचे रहे हो कि मोर 12,000 महिला मन जुड़ जाए, 2,00,000 बहनी मन एक साथ एक संगठन में रही जाए और 25 करोड़ रुपया पैसा जमा कर सकते। एक लकड़ी ला तो हर कोई तोड़ के फेंक देते, लेकिन 15 पीस लकड़ी ला गट्ठा बांध दे जाए तो काकरों में हिम्मत नहीं है जो तोड़ सके। कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती अंबर चलती चांद रात भर चलता।
ये मोर मैके छुरिया जहाँ मोर जन्म है जे जन्मभूमि है छोटे से दुकान है हमार बाबूजी के यहाँ तो मैं सबसे पहली तो दुकान में कब्बा सी धोए के काम करत रहे हम सब बहने पांच बहन और दो भाई इतना बड़े परिवार इतना बड़े गरीबी और छोटे से झोपड़ी में ही हमार बाबूजी मन होटल में रहा है पेड़ इतना बड़े हो गए अरे दादा अरे एकदम बड़े हो गए हो जात कब हो ओटी बंगाल है रे का है सेमी हल को हां मोर मन राय पढ़ाई के बाबूजी की इच्छा हो के भी गरीबी के कारण मोर बाबूजी नहीं पढ़ा पाइस और मैं होटल में दिन भर अवैया जवैया देखूं पुस्तक काफी ले देखूं उठा के देखूं कि मैं पढ़ूं तो माँ बाप मन ये कहा है कि बेटी हरस पढ़ के का करवे मन पढ़ा नहीं सकन तो मन में फिर बोलो फिर चुपचाप पहले गरीब रहे हो एकदम तो बच्चा मन लाए इसने कात कनिक पढ़ाए एकदम हालात थोड़ा खराब हो गए गरीब स्थिति पांच लड़की है दो जन लड़का है अब एक जन कमैया तो मिस्त्री काम इसने कहीं कुछ सामान वामान बनाए काम करत रही से कर पिताजी तो वतका मतका जन की जिंदगी कहाँ हो सके तो जब नहीं पढ़ा सके तो फिर आखिरी आखिरी बंद कर दे रही स्कूल में हम लोग फुलवासन से बचपन की सहेली है और एक ही साथ पढ़ने भी जाते थे और एक ही साथ खेलते थे और वो क्या वो तो बहुत कम स्कूल जाती थी मैं ही रेगुलर जाती थी वो बेचारी बहुत गरीब थी उसकी माँ बाप उसको खाने पीने के बहुत लाले तापे थे तो बोलती थी कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे क्यों कि हमारे माँ बाप बहुत गरीब है फिर भी मान लगी इसके ये बेटी अरे मन बेटी मन कतिक पढ़ाबो और कितना दिन लेकर मन के दुख लसहेंगे करके 10 साल में फिर शादी कर दी हल्का हल्का से है याद गाड़ा भैलम हमल ला हमार जीजा दूल्हा बने रही से बैलगाड़ी में खातू वाले गाड़ी में लेगी से और कोई बर्फ खिलात खिलात लेगी बहुत छोटे रहें हमार जबाना मन में ना पहले उसमें छोटे छोटे मोज आते रहने अब तो ये नवा नवा कानून लग गए थे नहीं लड़की लड़का पसंद तो दिल वैसे नहीं जहाँ सगा के मन हो गए ना तो लड़की लेते देवे मोला हाँ ले मैं दे दूँ तोला वैसे में होत रही से शादी में भी मोर याद नहीं है कि मोर पति के संग में कैसे फेरा लगाऊं का करूं मोर ध्यान नहीं है सबसे पहले तो एक छोटे से घर झोपड़ी रही से वहाँ दो लकड़ी चार लकड़ी रही से झिपारी लग रही से और झिपारी में चारों तरफ प्लास्टिक के बोरी से दरवाज़ा बंद रही से और सामने के सीमेंट के बोरा तो वहाँ मोर पति गैया बकरी चराए दूसरा यहाँ के नौकर काम करें क्या ले जाएंगे यार धन बनेंगे पैसा सकेल ले भी, क्या पैसा धर के ले भी। बड़े बड़े महल बना है 10 बिल्डिंग 25 बिल्डिंग 20 बिल्डिंग के
है नहीं, वो का करता है सब यही छोड़ के जाता है, घर के कोई नहीं ले जाता। एक साल दो साल नहीं, 18 साल तक ले 18 साल तक ले मैं अपन पति के सन में गैया बकरी चराना, गोबर उठाना, गोबर थोपना, ये काम करूं। और मैं, मोर पास में चप्पल भी नहीं रहा है, न ढंग से साड़ी रहा है। मन में लगी के आज इतना ज्यादा मोर ऊपर परेशानी है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। सुबह से शाम तक गैया बकरी चरा के आऊं तो मोर पति आए तो मैं जाग मंगे कोशिश करूँ, कम से कम एक गिलास चावल दे दो, लेकिन एक गिलास चावल देने वाला कोई नहीं रहा है। स्कूल नहीं जा रहे थे हम लोग, इतनी आवक ही नहीं थी घर में तो हम लोग के स्कूल पढ़ा सके। खाने पीने के लिए भी तंगई, यहाँ खाना पीना भी नहीं मिलता था ठीक से, पेट भर एक समय खाना मिल जाए तो बहुत। सिर्फ मैं मोर मन में एक गरीबी से और गरीबी ल दूर कैसे करना चाहिए, बस मोर मन में ये सवाल उठे। और बार बार मैं सुबह से शाम तक ये सोचते रहूँ कि मोर का करना है समाज पर और माँ पर का करना है, जेकर जे माँ भूखे अपन बेटी बेटा ला भूखे से लाते, मोर का करना चाहिए। लेकिन मोर मन में लगी मैं एक लाचार हूँ लेकिन 10 माँ लाचार नहीं हूँ। हम 10 माँ मिल के सबो दो दो मुठा चावल मिलावो, दो दो रुपया पैसा जमा करेंगे और वो में जो बच्चा खा नहीं पाते जिला हम खिला नहीं पाथन ओला हमन अपन बच्चा मन ला खिला सकथन। तो मोर मन में लगी बोलबे कि दीदी समूह बनाए, भौजी मन समूह बनाते से करके। हां ला मैं चार सबसे पहले मैं गांव के बहनी मल्ला जोड़े के काम करूं और मैं समूह बनाए बार एकदम तन मन धन दे के भीड़ियों में, और वो दिन से कभी मुड़ के नहीं देखियो। सबसे पहले मैं गांव के बहनी मल्ला जोड़े के काम करूं, जोड़े तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समाज पूरा गांव हंसी उड़ा है कि देखे गांव के एक महिला, पूरा गांव के महिला मल्ला बिगाड़ी का काम करिए, महिला मल्ला जोड़े के काम करी, बार बार गांव वाले मन परेशान करे, दंडित करे। समूह बनाया तो समूह बनाए में बहुत दिक्कत थी, तो गाँव वाले मन अब हंसी उड़ाए हमारा, तो हम केहन कहल कहान दे हम समूह बना तो लगे बेटा घलो भड़का दे दुहेल जाए था। तो रात भी काल ले आते तो भाई है से कही के तो भड़के ते जाथस, रात भी काल ले आता ऐसे कही कुहू भड़के और गाड़ी गलो दे बहुत गुस्सा करे, जान आन भी नहीं दे ना कोनो डन जानते मना करे, घर से बाहर निकाले धर ले, नहीं तो कपार दरवाजा भी लगा दे मार पीट करे। वो मन चिल्लाए भी, पति मन के मार सहना, घर वाले मन के चिल्लाना, कपाट बंद कर देना, मार पीट करके खुद मोर पति जे मोला साथ नहीं दे, ऐसे कोई एक दिन नहीं रहा जे में मोर मार नहीं पड़े। हाय अतक रात के कहां गए थे? मीटिंग रही से ना, चल जाओ मीटिंग में, चल भाग।
हम समाज में आए हैं, हम एक मान और माँ ही समाज ला बदल सकते। सब बहनी वाला आगू आना है, आगू आके समाज ला बदलना है। हमरा लगे मान लो आज हम चुपचाप बैठ गए तो बाकी बहनी मन भी वही स्थिति में हो जाए। हमला कुछ भी हो जाए अपन हिम्मत हारना नहीं है। 10 बहनी संकल्प ले लें और समाज में जो बुराई है, जो आज हमला हंसी उड़ाते भूखे के नाम से, खाए के नाम से, हर चीज़ के नाम से सब हंसी उड़ाते, और आज हम घर से बाहर निकल के 10 जन बहनी जुड़ा थन ओकर पर भी सब चिल्लाते, तो ओकर सन में झगड़ा नहीं करें। अपन गाँव में सबसे पहले गली मोहल्ला मोहल्ला साफ सुथरा करे के काम करें। ता समूह बने ना तब पहले हमन गली साफ करें, गली साफ करें और बोरिंग साफ करें और जे तरिया नहाए के तालाब है ओला साफ करें। अगर बाद में गांव के जब सहयोग मिली तो फिर हमन 2-2 रुपया पहले हर एक बहनी मनला इकट्ठा करके 2 रुपया सब्जी ले जाए बाजार लेबर, तो पैसा ला बचाए बर करके बोले मल्ला साग ले ला जाए बाजार तो वहाँ 2 रुपया बचा के लाए हफ्ता में, बोले हमन जमा करन हर हफ्ता 2-2 रुपया जमा करन तो 10 रुपया महीना में जमा होए, बहुत मुश्किल से जमा होए। और 10 रुपया ला फिर बैंक वाले मन कहते हैं कि बैंक में डालू आप मन अपन बचत करू तो बैंक आपके मदद करे। महिला स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ये था, प्रत्येक स्वयं सहायता समूह बैंक से जुड़े, बैंक से जुड़े इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ निश्चित चंदा, उस समय तो 5-10 रुपये भी था, प्रत्येक सदस्य अंशदान करेगा। गेंद तो सबसे पहले अपन सब महिला मन और रही हमारे संग, तो अपन चप्पल उतार दें, यहाँ चप्पल उप्पल पहन के जाए भगवान हसन हरे, जहाँ पैसा जमा होते वो भगवान है। और सबसे पहले हमन 10-10 रुपये जमा करके 100 रुपया ही जमा कर पाते रहे, तब 6 महीने तक हमन 100-100 रुपये जमा करें सबो बहनी मन मिल के, तो 6 महीना में हमारे लगी 10-10 रुपये नहीं करन चलो अब 20-20 रुपये जमा करते हैं, तो हमन 250 रुपये जमा करना मुसी, हाँ 250-250 रुपये जमा कर सब जन मिल के। और जब शुरू करें तो बैंक वाले लगी सेमन तो बड़ा सुंदर लेना देना चालू करते थे, पैसा ला वापसी दे लेत भी है और खुद आपसी लेन देन 200-300 रुपया, जब एक बेटी की तबीयत खराब है तो इला 200 रुपया देन, एक बेटा की तबीयत खराब है तो 300 रुपया देन, तो ऐसे खुद के पैसा के लेना देना चालू करें हमन। इस बीच में हमने सुकुल ध्यान शाखा के तारतम्य में एक महिला स्वयं सहायता शिविर का आयोजन किया, तो शिविर में अधिकारी जो रही समर बैंक के मदद के द्वारा सबसे पहले तो हाथ पकड़ के मंच में ले, मोला ये नहीं मालूम कि मंच में जो आवाज आते थे इतना सब झला सुना थे, चारों डर आवाज आते चिल्लाते, तो मोरो बात है कोई सुन ली तो मोर सामने आग कोई बोली, बड़ा मुश्किल से मैं मंच में आया और मंच में हाथ पकड़ के लई और लायक बाद में जब बोले तो मोर खुद नहीं मालूम कि मैं इतना ज़्यादा अपन आवाज रही सर दिल के जो आत्मा में जे दुखी जेल में 18 साल तक वो जिंदगी काटत आऊँ, तो मोला लगी और मैं वो चिल्ला बोलत रहूँ मैं का जानो कोई कलेक्टर बोला थे का है पूरा बात में बोले, कितना अंधेला है समाज में एक गरीब पर, लेकिन जब तक गरीब सामने आ ही नहीं अपन अधिकार पर अपन हक पर तब तक कोई लाके दाना देने वाला नहीं है। आज गरीब गरीब है, गरीब गरीब है लेकिन अमीर अमीर है। आज जब तक अपन अधिकार ला लेबर अपन खुद के अधिकार ला हम लेबर सामने नहीं आबो तो कोई देने वाला नहीं है। उस भाषण से ये लगा कि इस महिला में अपनी गरीबी के अलावा पूरे समाज की या पूरे गांव की गरीबी दूर करने का जज्बा है। कलेक्टर जो मुखिया थे मोला मंच में बुलाई और वो मंच में आईस, पहले नीचे में बैठी से फिर मंच में आ गए और मंच में आईस और बुलाई तो फिर मोर हालत और ज़्यादा खराब हो गए, बोला 2 जनमन धर के लेगी से मंच में चलो अति बड़े राजा है बुलाते हैं चल चल ऐसे गए, और गेहूँ तहने बहुत शांत स्वभाव से मोला पूछी नाम ला का नाम है करके,
तो ओला जैसे मैं देखे तो मोर हालत खराब, मैं अपन नाम ला भी नहीं बता सकत रही हूँ। का नाम है चार बार बोलीस, बड़ा मुश्किल से मैं अपन नाम ला बताया। और जब नाम ला बताया और बोलीस के इतना अच्छा काम करत हो एक वस्ताव में, जो हकीकत जो गांव के गरीब महिला ला करना चाहिए, हर एक महिला ला जागरूक होना चाहिए और पूरा बहनी वाला जोड़े काम करत हो, तो ये बहुत अच्छा काम करत है और आप ला पूरा जिला में इसने काम करना है। जनहितकारी समिति के नाम एक गण पड़ी खबर की, यहाँ एक देवी है हमार जो पहाड़ी वाली माँ के नाम से माने जाते हैं, जिसका नाम है माँ बम्लेश्वरी और देश दुनिया से भी वहाँ तीर्थ यात्रा में आते, तो माँ बम्लेश्वरी के नाम डाले पूरा जिला में, जहाँ माँ बम्लेश्वरी समूह के नाम से पहचान है। खाली यहाँ फेडरेशन के ही नाम नहीं है, समूह के भी नाम माँ बम्लेश्वरी, हर नाम में माँ बम्लेश्वरी है। तो सुनते सुबह 7:30 बजे घर में आ जाबे और पूरा लेटर जो आवेदन जो बनाए इसने ओला भी लेकर आबे और हम सब जन मिल के ओकर कार्रवाई कर लेंगे, कलेक्टर के पास भी लेंगे और कहाँ हो सकते देख लेते हैं कहाँ कहाँ काकर से गलती हुए, फिर ओकर बाद में ओकर कुछ कार्रवाई करवाएंगे कि सब जन मिल के कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोड़ा दी। ठीक है, गाँव के जो महिला समूह है, एक समूह नहीं दो समूह नहीं, पूरा बहनी मन जुड़े हैं और बहनी जुड़े के बाद में वो गांव के मुखिया तैयार कर दें, स्वयं के ही महिला सरपंच और सचिव जिला ग्रामीण फेडरेशन अध्यक्ष सचिव के नाम दे दें हमन पूरा, और ओकर साथ में 8 और ऐसे बहनी है जे पूरा गांव के लेवल पूरा गांव के भार ला संभाल थे। मान लो 20 समूह है या 40 समूह है तो जो मुखिया है वो समिति पूरा बहनी मल्ला लाना बुलाना काम करते हैं। कोई गांव में बुराई है ओकर पर लड़ाई लड़ी तो सब बहनी लड़ाई करी, 5 गांव के बहनी मिलके वो क्लस्टर तैयार करे हैं और वो जे जे गांव में बुराई है दूर करना है तो 5 गांव के बहनी मन वहाँ आके भीड़ थे। मान लो 5 गांव के भी बहनी से नहीं हो पाते तो हमारे पास में 25 गांव के सेक्टर बने हैं। मान लो कि गाँव में परेशान है एक महिला, ओकर बात सुने नहीं जाते, बहुत परेशान है दुखी है, तो गांव के जो फेडरेशन अध्यक्ष क्लस्टर ला बताई, क्लस्टर सेक्टर ला बताई, सेक्टर ब्लॉक ला और ब्लॉक जिला ला, तो ये हमारे मन के लेवल बने हैं। सबसे अच्छा समूह है जो ट्राप के समूह है, वो 5 सूत्र ला लेके चलते ओला सबसे बड़े समूह का थे। 5 सूत्र एक बहुत बड़े आधार है महिला समूह के, स्वयं सहायता समूह के, पैसा ला लेना देना लेना पूरा सबके पैसा आई और जो दे है स्कूल उधारी में तो उधारी पैसा भी वापसी होना चाहिए। फुलबासन जी अपनी सहेलियों के साथ, जिन्हें मैं अपनी सहेलियां कहती हैं, सदस्य नहीं कहती हैं सहेलियां कहती हैं, उनके साथ मेरे कार्यालय में आई। जब मेरे सामने आई तो मेरे सामने 2 प्रश्न थे कि संगठन हो गया अब इसके बाद क्या और आगे के लिए उनका विजन क्या है। जब ये 2 प्रश्न मैंने उनसे पूछे तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि उसके बारे में सोचने की आवश्यकता उनको भी थी, बस कोई बताने वाला नहीं था। और एक महिला होने के नाते मुझे ये क्लैरिटी थी कि अगर हम वीमेन एम्पावरमेंट शब्द को सच में चरितार्थ करना चाहते हैं तो जो 2 चीज़ें संगठन के बाद आनी चाहिए वो क्रमशः अब आ जानी चाहिए। आई मीन आई थॉट दैट परहैप्स इट इज़ द राइट मोमेंट, और वो संगठन के बाद आपको केवल संगठन पर नहीं रुकना है, आपको शिक्षित होना है, आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना है, आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो चाहे पूरा ह्यूमनाइजेशन हो उन सारे कैंपेन से जुड़ना है ताकि एक भी महिला और एक भी बच्ची
अब इस पूरे अभियान से अछूती ना रह जाए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उनको जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बताया और उसके बाद उनको कम से कम 5 बार इसी तरह से दोहराया और उन लोगों ने 5 बार उसको इसी तरह से क्रमशः दोहराया। और उसके बाद जैसा छत्तीसगढ़ी में होता है कि आप अपने पल्लू में गांठ बांधिए और इसे अपने जीवन में उतार लीजिए, और उस समय जो गांठ बंधी वो ऐसी बंधी कि फिर नारी सम्मान, नारी स्वाभिमान के रूप में एक बड़ा एजेंडा बनकर निकली। और जब ये सारे बिंदु एक सीक्वेंस में रखे गए तो ऐसा लगा जैसे चिट्ठा तैयार हो गया कि विमेन एम्पावरमेंट का चिट्ठा तैयार हो गया। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार।